दिल्ली में बीते दिनों दो दिनों तक चली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हुई थी। पीएम ने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं, ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। बैठक के दूसरे दिन पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर भी मुहर लगा दी। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो गया था, अब वो लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। नड्डा को एक्सटेंड रखने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। विलाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद भाजपा के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राजनाथ सिंह भी दो बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया गया था। देश के 9 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी मई जून के बीच चुनाव कराए जाने के आसार हैं। इस तरह 10 विधानसभाओं और अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा को ये एक्सटेंशन दिया गया है। तकनीकी तौर पर देखें तो 2022 में भाजपा संगठन के चुनाव नहीं हो सके हैं, इसलिए भी जेपी नड्डा को ही लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। नड्डा के एक्सटेंशन की अहम वजह है 10 विधानसभाओं के चुनाव भी हैं। 2023 में ही होने वाले ये चुनाव लोकसभा की करीब 22% सीटें कवर करते हैं। साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फैले इन राज्यों के फैसले से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज की झलक भी मिल सकती है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो गया है। फर्श पर सोकर अर्श तक पहुंचे जेपी नड्डा। छात्र नेता से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर। जेपी नड्डा की जिंदगी संघर्ष भरी रही है। पार्टी की घोषणा से नड्डा के गृह राज्य में खुशी। गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल। बीजेपी ने नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है। नड्डा ने एबीवीपी से राजनीति की पारी शुरू की। बतौर छात्र नेता जगत प्रकाश नड्डा राजनीति में आए। मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन का हिस्सा बने। पदयात्रा के दौरान रात में फर्श पर ही सो जाया करते थे। विरोधी लहर में भी नड्डा ने हासिल की थी जीत। 1993 में विरोधी लहर होने पर ही नड्डा जीते थे। हिमाचल में 68 सीटों में से 8 पर बीजेपी जीती थी। शांता कुमार, किशोरीलाल सरीखे नेता हारे थे। उस समय नड्डा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नियति शायद नड्डा का सियासी भविष्य लिख चुकी थी। साल 1993 में बीजेपी विधायक दल के नेता बने। पंडित सुखराम का टेलीकॉम घोटाला नड्डा ने उछाला। 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया। साल 1998 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। जयप्रकाश नड्डा का जन्म पटना में 1960 में हुआ। नड्डा ने बी और एलएलबी की परीक्षा पटना से पास की। राजनीतिक करियर में नड्डा जम्मू कश्मीर पंजाब के प्रभारी रहे।
हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल के भी प्रभारी रहे। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रभारी रहे। 1978 में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति शुरू की। 1991 से 1994 के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पत्नी मल्लिका नड्डा भी 1988 से 1999 तक एबीवीपी की राष्ट्रीय महासचिव रहीं। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले वे महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वे पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। 1994 से लेकर 1998 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। इसके बाद वो दोबारा 1998 में फिर विधायक चुने गए। 2007 में उन्हें फिर से चुनाव जीतने का अवसर मिला। धूमल की सरकार में उन्हें वन पर्यावरण मंत्री बनाया गया। 2010 के पहले तक नड्डा हिमाचल की राजनीति तक सीमित थे। 2010 में उन्हें वन मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2019 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा था। नड्डा 49% से अधिक वोट शेयर जुटाने में सफल रहे। बीजेपी और सहयोगी दलों ने कुल मिलाकर 64 सीटें जीती। 20 जनवरी 2020 को उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 में नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक किया गया।